ओके बच्चों, लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। टुडेज डेट इज 7 फरवरी और आज हम लोग एक वेरी बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर में हैं जो कि पोलराइजेशन है। ये पूरा का पूरा ये एक तरीके से 1/3 है। अगर आप इसको इंपॉर्टेंस के लिहाज से देखें तो किसी भी एग्जाम में इससे सवाल आते हैं, ठीक है। कम से कम 5-7 सालों में इस टॉपिक का यूटिलाइजेशन बोर्ड्स ने भी किया है और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स ने भी ठीक ठाक अमाउंट में किया है। पहले इतना इंपॉर्टेंट भले नहीं हुआ करता था पर अब बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। तो इस टॉपिक के अंदर अपने को क्या क्या पढ़ना होगा समझ लेते हैं। एक तो है लाइट एक ट्रांसवर्स वेव क्या हो, कैसे बिहेव करता है। दूसरा, अनपोलराइज लाइट क्या होता है। तीसरा, पोलराइजेशन क्या होता है। चौथा, एक्सपेरिमेंटल सेटअप फॉर पोलराइजेशन क्या है। और पांचवा है मेथड्स ऑफ पोलराइजेशन, ठीक है। ये पूरे के पूरे मेरे लेक्चर के पार्ट्स होंगे जो आज हम लोग डील करने वाले हैं। और कहानी की शुरुआत करते हैं लाइट और ट्रांसवर्स वेव्स। बच्चों, ये टॉपिक थोड़ा सा आपके लिए एबनॉर्मल इसलिए भी लगेगा क्योंकि आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं पढ़ा। बीच का टॉपिक हमारा स्किप हुआ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो हमें पढ़ना था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या बताया गया है उस चैप्टर में, आगे जो पढ़ाऊंगा अभी, कि लाइट जो होता है वो बेसिकली एक तरीके का ट्रांसवर्स वेव है, ठीक है। ट्रांसवर्स वेव का मतलब क्या होता है कि वेव अगर ऐसे जा रहा है तो ऑक्सीलेशन जो हो रहा है वो इसके ठीक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो रहा है, क्लियर। ठीक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑक्सीलेशन हो रहा है, क्लियर। अब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑक्सीलेशन हो रहा है लेकिन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या ऑक्सीलेट कर रहा है, तो लाइट को तो पार्टिकल की जरूरत है नहीं। लाइट तो बिना पार्टिकल या बिना मीडियम का भी ट्रांसफर कर हो सकता है, ट्रांसमिट हो सकता है। तो ये बेसिकली इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशन की वजह से ये लाइट प्रोपेगेट करता है और इसीलिए इसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। अगर आप गौर से देखो तो ये जो आपको दिख रहा है डायरेक्शन ऑफ वेव ट्रैवल, लाइट बेसिकली क्या है, लाइट बेसिकली कुछ इस तरीके से आगे बढ़ रहा है। ये इसका डायरेक्शन है आगे बढ़ने का, मैं जो एरो बना रहा हूं, ठीक है। अब आप गौर से देखो कि ब्लू वाला जो दिख रहा है ये आपका क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, और ये जो रेड वाला है वो क्या है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्लियर है। तो आपका इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, अगर ये एक्स के अलोंग आपका वेव ट्रेवल कर रहा है तो वाई और जेड के अलोंग कौन ऑक्सीलेट कर रहा है, आपका इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑक्सीलेट कर रहा है। यही लाइट का नेचर होता है, इसलिए लाइट को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं, क्लियर। बच्चों, एक बात का और ख्याल रख सकते हैं आप कि इलेक्ट्रिक फील्ड का भी कुछ ना कुछ एम्पलीट्यूड होगा। मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड होगा ई नॉट, और मान लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड होगा, मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड होगा बी नॉट। दोनों का अपना अपना एम्पलीट्यूड है, तो इस खास ख्याल को रखिएगा कि ई नॉट बाई बी नॉट, ई नॉट बाई बी नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नेट्यूड बाई मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नेट्यूड जो होता है इज इक्वल टू होता है सी, सी बोले तो स्पीड ऑफ लाइट, क्लियर है इन एयर। तो याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से कैसे डिपेंड करता है वेव का स्पीड, ये सब चीजें हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में पढ़ेंगे। लेकिन इससे एक बात तो तय होती है कि लाइट होता क्या है। लाइट एक ट्रांसवर्स वेव है जिसमें लाइट अगर आगे की तरफ जा रहा है तो मीडियम जो ऑक्सीलेट कर रहा है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑक्सीलेट कर रहा है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑक्सीलेशन जो है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अवेलेबल, क्लियर। तो इसी वजह से लाइट क्या करता है, आगे की तरफ ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम लोग ट्रांसवर्स वेव। जल्दी से इसको लिख लो, अगर हो सके तो इस फिगर को भी बना लो, ठीक। हेडिंग बाय हेडिंग चलते रहेंगे हम लोग, ये टॉपिक बहुत डिटेल में, ये जितना पहला स्लाइड है मेरा इस पे एक चैप्टर है पूरा का पूरा। इसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और अपने को इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी अभी, बस पहला में बेसिक जानकारी के लिए मैंने यूज किया है इसको। लिख लेना, एटलीस्ट से यस रिटेन, देन वी कैन गो अहेड।
गुड, वेरी गुड, यो बच्चों आपने लिख लिया होगा। हम लोग अब आगे बात करते हैं अनपोलराइज्ड लाइट के बारे में। आखिर एक लाइट क्या होता है? तो बच्चों मैंने आपको जब बताया कि मान लीजिए कि एक वेव ऐसे ट्रेवल कर रहा है आगे की तरफ, और मैंने आपको बोला कि जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स ऑक्सिलेट कर रहे हैं वो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑक्सिलेट कर रहे हैं। यानी अगर वेव ऐसे जा रहा है तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का ऑक्सिलेशन क्या है? परपेंडिकुलर डायरेक्शन है। इसके ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी परपेंडिकुलर हो सकता है, ऐसे भी परपेंडिकुलर हो सकता है, हर तरीके से इसके परपेंडिकुलर हो सकता है वो। क्लियर है? तो आपको ये सोचना चाहिए क्या इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में क्या परपेंडिकुलर होते हैं क्या? नहीं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ऑक्सिलेट नहीं करते, बल्कि वो ऑल पॉसिबल परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में ऑक्सिलेट करते हैं। ऑल पॉसिबल परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में ऑक्सिलेट करते हैं। तो याद रखिएगा, अनपोलराइज्ड लाइट उसको कहते हैं, अ लाइट वेव इन विच अ लाइट वेव दैट इज वाइब्रेटिंग इन मोर देन वन प्लेन इज रेफर्ड टू एज अनपोलराइज्ड लाइट। ठीक है, एक बात याद रखिएगा, कोई सोर्स से कभी भी लाइट निकलता है, यानी लाइट एमिटेड बाय सन, बाय अ लैंप इन द क्लासरूम और बाय अ कैंडल फ्लेम इज ऑलवेज अनपोलराइज्ड। ठीक है, मैं अगर आपको ऐसा समझूं, आपको बच्चों ध्यान देना है, मैं ऐसा कह रहा हूं कि मान लीजिए ये लाइट का डायरेक्शन, तो पार्ट अब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों वाइब्रेट करेगा। ठीक है, कायदे से कैसे वाइब्रेट करेगा? शुरुआत जब सोर्स से निकलेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ना कुछ ऐसे ऑक्सिलेट करेगा, थोड़ा इधर भी ऑक्सिलेट करेगा, थोड़ा इधर भी ऑक्सिलेट करेगा, थोड़ा इधर भी ऑक्सिलेट करेगा, तो हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑक्सिलेट करेगा, लेकिन उसका रिजल्टेंट एक डायरेक्शन में होगा। अब मैग्नेटिक फील्ड भी हर डायरेक्शन में ऑक्सिलेट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी हर डायरेक्शन में ऑक्सिलेट करेगा, और उसका भी रिजल्टेंट किसी एक डायरेक्शन में होगा, लेकिन जब दोनों के रिजल्टेंट को आप देखोगे तो वो 90 डिग्री पे होगा। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दोनों हर पॉसिबल डायरेक्शन में ऑक्सिलेट करेंगे जो कि इस वेव के परपेंडिकुलर है। हर पॉसिबल, वो ऐसे हो सकता है, वो ऐसे हो सकता है, वो ऐसे हो सकता है, सब परपेंडिकुलर है। क्लियर है? तो अनपोलराइज लाइट उसको कहते हैं जिस लाइट में जो ऑक्सिलेशन है वो ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में होता है। ठीक है, आदर्श ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन बोला कि सर कैन वी से कि ऑल ट्रांसवर्स वेव इज अनपोलराइज्ड? नहीं आदर्श, आप ऑल ट्रांसवर्स वेव जैसे ही बोलोगे आप लेके चले आओगे स्ट्रिंग वेव को, जो कि गलत है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात हो रही है और खासकर लाइट की बात हो रही है यहाँ पे। क्लियर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरल बोलोगे तो हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है वो अनपोलराइज्ड होता है। जब आप ट्रांसवर्स वेव कहते हो तो आप लेके चले आते हो स्ट्रिंग वेव को भी, इसीलिए मैं कहूंगा कि ये नहीं कह सकते। क्लियर? तो बच्चों पहला डेफिनेशन आता है कि आखिर एक अनपोलराइज्ड लाइट क्या होता है। तो कोई भी सोर्स से जब लाइट प्रोड्यूस होता है तो उसका इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड खाली एक डायरेक्शन में नहीं होता है, वो हर पॉसिबल डायरेक्शन में होता है, हर पॉसिबल डायरेक्शन में। इसी को कहते हैं हम लोग अनपोलराइज्ड लाइट। जल्दी से डेफिनेशन निकले बच्चों, और गौर से ये देखो, गौर से जो नीचे एग्जांपल हमने बनाया है उसको देखो एक बार, लिख लो पहले, उसके बाद दिखाता हूं। ठीक है, लाइट सीधा ट्रेवल कर रहा है और ये क्या है? ऑल पॉसिबल परपेंडिकुलर डायरेक्शंस। ऑक्सिलेशन इन ऑल पॉसिबल परपेंडिकुलर डायरेक्शंस। वैष्णवी हर जगह अनपोलराइज्ड लाइट ही होगा। अगर मैं आपको बात करूं कि हर जगह जितने भी आप रीजन दोगे वो हर जगह आपको अनपोलराइज्ड लाइट ही मिलेगा। अनपोलराइज्ड लाइट को आपको पोलराइज करना पड़ेगा।
बिना पोलराइज किए हुए वो अपने आप पोलराइज नहीं होगा। कई तरीके हैं पोलराइज करने के, उसके बारे में हम बात करेंगे। पोलराइजेशन क्या होता है इसकी भी बात करेंगे। अभी अगर ऑन जनरल लाइट की बात करोगे तो उसका जो ऑक्सीलेशन है इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड का, वो ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस में है। शिवम, कोई भी हाई लेजर बीम, हायर इंटेंसिटी बीम, सन रेस, लाइट रेस, सबका हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अनपोलराइज्ड लाइट ही होगा। कोई भी लाइट सोर्स से निकलेगा तो उसका स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, वाइब्रेशन का डायरेक्शन नहीं होगा, दैट्स फॉर श्योर। एक तरीके से ऐसा समझो कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड स्कैटर्ड होगा। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशन की वजह से ही लाइट ट्रेवल कर रहा है, लेकिन वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में होने के बजाय वो स्कैटर्ड डायरेक्शन में होगा। उसी को लिमिट करके करने के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं पोलराइजेशन, यानी बिगड़े हुए बच्चे को सीधा करना। अच्छा 30 सेकंड जल्दी लिख लो। बच्चों अगर आप गौर से देखोगे तो तीन टर्म्स बहुत पूछे जाते हैं, शब्द यूज होते हैं। पहला जो होगा वो होगा अनपोलराइज्ड, अनपोलराइज्ड दूसरा होता है पार्शियली पोलराइज्ड, पार्शियली पोलराइज्ड, और तीसरा होता है पोलराइज्ड। तीन टर्म्स, तीन तरह के लाइट्स हो सकते हैं, ठीक है। अब बच्चों अगर कोई पूछे कि अनपोलराइज्ड लाइट क्या होगा, तो बहुत क्लियर है, वाइब्रेशन इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस, वाइब्रेशन इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस, ठीक, पार्शियली पोलराइज्ड, ठीक है, जहां पे कुछ वाइब्रेशन को हम लिमिट कर देते हैं, ठीक है, ठीक है, कुछ सम वाइब, या कह सकते हैं कि सम पार्ट ऑफ वाइब्रेशन, सम वाइब्रेशंस या सम पार्ट ऑफ वाइब्रेशन इज रेस्ट्रिक्टेड, इज रेस्ट्रिक्टेड, कुछ पार्ट को रेस्ट्रिक्ट कर दिया है, ठीक। और कंप्लीटली पोलराइज्ड का मतलब होता है वाइब्रेशन रेस्ट्रिक्टेड इन ओनली वन डायरेक्शन, वाइब्रेशन रेस्ट्रिक्टेड इन वन डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में रेस्ट्रिक्ट कर दिया, इसी को कहते हैं पोलराइज्ड लाइट। क्लियर बच्चों? तो यहीं से पोलराइजेशन का डेफिनेशन भी आ जाता है। It is the phenomenon of restriction of vibration in only one possible direction. इस phenomenon को कहते हैं हम लोग polarization. ठीक है? इसी phenomenon से prove हुआ कि light is a transverse wave. बाकी दोनों जो फंडे थे interference और diffraction, इसने prove किया कि light is a wave. लेकिन polarization ने prove किया कि light is a transverse wave. और wave theory में इन तीनों phenomenon का बहुत importance है. Interference diffraction ने prove किया कि wave nature होता है, तो polarization ने prove किया कि wave कैसा होता है. क्लियर? तो बच्चों गौर से देखिए, आई थिंक इसमें आप शॉर्ट में लिख सकते हो अनपोलराइज्ड, पार्शियली पोलराइज्ड और पोलराइज्ड, ठीक है। और इसके बाद हमारा सबसे बड़ा टॉपिक शुरू होता है, वो होता है पोलराइजेशन। तो जल्दी से आप लोग पोलराइजेशन का डेफिनेशन लिखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पोलराइजेशन, पूरे चैप्टर का मतलब ये पूरे टॉपिक का मेन पार्ट पोलराइजेशन।
वाइब्रेशन में याद रखना कि हम दोनों का नहीं देखेंगे एक साथ, इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड का हमको एक देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरली हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का ही देखेंगे वाइब्रेशन कैसे स्टॉप कर रहे हैं। बच्चों अब हम देखते हैं पोलराइजेशन फेनोमेनन को। बच्चों आपको गौर से दिख रहा होगा कि हमने एक अनपोलराइज लाइट लिया, हमने क्या लिया एक अनपोलराइज लाइट, पहले क्या लिया अनपोलराइज लाइट, ठीक है। अब हमने इसको पोलराइज किया, पोलराइज करने का मतलब वाइब्रेशन को क्या किया एक डायरेक्शन में रेस्ट्रिक्ट कर लिया। क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, कई सारे पॉसिबिलिटीज है, हमने उसमें कुछ पॉसिबिलिटीज बनाई है। पहला क्या लिया है, पहला ले लिया है एक सिंगल डायरेक्शन में, मान लो ये पहला वाला देखो गौर से एग्जांपल, ये मान लीजिए जा रहा है लाइट, मैंने ले लिया कुछ ऐसे, ठीक। दूसरा मैंने क्या ले लिया, एक ले लिया ऐसे वाइब्रेशन। तीसरा क्या ले लिया, हमने एक ऐसे रैंडम एंगल ले लिया वाइब्रेशन का। तो हमने कुछ पोलराइज लाइट, इसमें दिख रहा होगा आपको कि वाइब्रेशन सिर्फ एक ही डायरेक्शन में हो रहा है इसमें। क्लियर है? तो पोलराइजेशन का मतलब है कि वाइब्रेशन के सारे डायरेक्शन को रेस्ट्रिक्ट करके एक डायरेक्शन में कन्वर्ट कर देने को कहते हैं हम लोग पोलराइजेशन। जल्दी इसको इसको एग्जांपल्स के तौर पे ड्रॉ कर सकते हैं, और यहीं पे एक टर्म आएगा प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, इसको समझाऊंगा मैं। आगे बढ़े, अच्छा हम बात करते हैं प्लेन ऑफ पोलराइजेशन की, ठीक है। तो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन क्या होता है दिव्यांशु, पार्शियली पोलराइज का एग्जांपल अगर आप देखना चाहते हो तो मैं एग्जांपल देता हूं, देखो गौर से, ठीक है। देखो मान लो मैंने एक वेव लिया, लाइट जा रहा है ऐसे, और मैंने बोला कि वाइब्रेशन हो रहा है इसका, एक ऐसे हो रहा है, दो डायरेक्शन वाइब्रेशन हो रहा है। क्या बोलो इसमें दिव्यांशु, कुछ लिमिट नहीं हो गया क्या वाइब्रेशन को? शिवम बिल्कुल बिल्कुल प्रैक्टिकल टर्म है और बिल्कुल अचीव कर सकते हैं हम लोग, बिल्कुल आइडियल टर्म नहीं है। क्लियर है दिव्यांशु? मतलब कुछ पार्ट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया ना दिव्यांशु इसमें, पार्शियल को, मतलब पूरा भी नहीं हुआ और कंप्लीटली अनपोलराइज लाइट भी वो नहीं है, तो बीच बीच की बात है उसमें, ठीक है। बच्चों अब हमने पोलराइजेशन जब पढ़ते हैं तो हम लोग को एक बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म याद रखना चाहिए, वो है प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। ये मैं सिर्फ बोर्ड्स पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ, एग्जाम में पूछ सकता है तो कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। तो कह सकते हैं इट कैन बी डिफाइंड एज, इट कैन बी डिफाइंड एज एज प्लेन कंटेनिंग vibration of electric and magnetic fields, एक ऐसा प्लेन जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशंस को कैरी करता है, दैट इज कॉल्ड प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, ठीक है। इन अ प्लेन पोलराइज लाइट, In a polarized light, in a polarized light, clear है बच्चों? तो polarized light, बच्चों एक term और बहुत ज्यादा use होता है, वो होता है PPL,
पीपीएल, ये पीपीएल भी सेम चीज है, पीपीएल को कहते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, कंफ्यूज नहीं होना इससे, तो यू वर्ड यूज कर दे पीपीएल मतलब कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट, क्लियर है? तो यही होता है प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, कुछ बहुत ज्यादा यूज नहीं होने वाला प्लेन ऑफ पोलराइजेशन आपके लिए, ठीक है? बिल्कुल, आदर्श ने बिल्कुल सही बात कहा कि आदर्श ने को याद आया, मान लो कि केमिस्ट्री में याद करो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, वो एक एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा जहां पे ऑप्टिकल ऑप्टिकल क्या कह सकते हैं उसको, आइसोमर्स वगैरह आप देखने के लिए, वहां पे आपने इस पोलराइजेशन फंडे को बहुत हद तक यूज किया है आपने, ठीक है? डेक्स्ट्रोलेवो याद होगा अगर आपको, तो याद है कुछ किसी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डेक्स्ट्रोलेवो? हाँ ना, कुछ बोल दो, कुछ नहीं याद है? डेक्स्ट्रोलेवो, पॉजिटिव नेगेटिव, हाँ तो वो सब पढ़ा था ना, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म यही तो करते थे हम लोग, पोलराइजेशन ही तो करते थे वहां भी हम लोग, ठीक है? तो बच्चों लिख लिया, तो बच्चों अब हम आ रहे हैं अपने एक्सपेरिमेंट की तरफ। सबसे बढ़िया चीज यही है, अपना जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यही है कि आखिर पोलराइजेशन होता क्या है, हम समझ गए कि वाइब्रेशन को रेस्ट्रिक्ट कर दिया एक डायरेक्शन, उसको कहते हैं पोलराइजेशन, लेकिन ये होगा कैसे, होता क्या है समझना ठीक है, पर कैसे होता है ये समझना जरूरी है हमारे लिए। तो पोलराइजेशन ऑफ लाइट में पढ़ने वाले हैं, और इसके लिए मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट दिखाने वाला हूं जो होने वाला है, ठीक है? एक्सपेरिमेंट क्या है समझने की कोशिश करिएगा बच्चों। बच्चों हमने क्या लिया कि एक अनपोलराइज लाइट लिया, अनपोलराइज लाइट लिया। बच्चों एकदम ऑर्डर में सब कुछ समझते चलोगे, लिखते चलोगे, ये बिल्कुल बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, समझाना आपको वहां एग्जाम में आना चाहिए। अनपोलराइज लाइट है, बहुत इजी टॉपिक है ये, अनपोलराइज लाइट लिया, ठीक है? बच्चों हम लोगों ने क्या लिया, एक अनपोलराइज लाइट लिया, और हमने यहाँ पे क्या लिया, एक पोलरॉइड लिया। सो कहते हैं पोलरॉइड, ठीक है? इसको हम लोग कहते हैं पोलरॉइड, ठीक है? ये पोलरॉइड क्या होता है थोड़ा समझा दूं आपको। सबने ब्लेड देखा है क्या? ब्लेड, क्या ब्लेड को अगर गौर से देखे होगे तो ब्लेड कुछ किस तरह के शेप का होता है, कुछ ऐसे शेप का होता है, और ये कुछ ऐसे ऐसे करके शेप का होता है कुछ, ठीक? ब्लेड देखा आपने, मैं ब्लेड को थोड़ा सा चेंज कर दूं, और मैं ब्लेड के बीच में मैं क्या कर दूं, अगर थोड़ा सा बहुत ही थिन एक होल बना दूं, इस तरह का बहुत थिन एक होल बना दूं बस, करते ठीक है? और अगर अब लाइट को पास करूंगा तो क्या लाइट में सारे के सारे वाइब्रेशन रुक नहीं जाएंगे क्या? क्या सिर्फ एक ही वाइब्रेशन उसमें पास नहीं होगा क्या, जो उस होल के अलोंग है? बोलो, मैं अगर लाइट को पास कर रहा हूं तो क्या जब लाइट यहां से जब पास करेगा तो क्या सारा का सारा वाइब्रेशन रुक नहीं जाएगा क्या, एक्सेप्ट ये वाला जो इसके अलोंग होगा, और खाली खाली एक ही वाइब्रेशन पास नहीं करेगा क्या, और ये लाइट अनपोलराइज से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? क्या बहुत इजी तरीका नहीं है क्या? क्या ये बहुत आसान तरीका नहीं है क्या कि हमने एक इंस्ट्रूमेंट यूज किया पोलरॉइड? पोलरॉइड ऐसा होता है, एक थिन होल होता है, उसमें थिन होल होता है, तो थिन होल होता है, तो हमने क्या देखा कि उसमें से सिर्फ वही पास करेगा जिसका वाइब्रेशन उस होल के पैरेलल होगा। बोलो क्लियर है क्या? तो क्या हमें एक पोलराइज लाइट नहीं मिल गया क्या जब पोलराइड से पास किया तो? बोलो, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मतलब इससे आसान तरीका क्या है पोलराइजेशन करने का, लिमिट करने का, सारे बाकी को रोक दिया, एक ही को पास करने दिया खाली। तो बच्चों जल्दी से इस फिगर को बनाओ, क्योंकि यही फिगर आपको आगे जाके हेल्प करे। केस वन लिखना, जैसे जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे वैसे लिखना। केस वन, अनपोलराइज लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ पोलरॉइड, इसको पैरालॉइड भी कहते हैं, देखना पैरालॉइड भी कहते हैं, पोलरॉइड पैरालॉइड कंफ्यूज नहीं होना है। मैं तो इसको, क्योंकि ये लाइट को पोलराइज कर रहा है, तो मैं इसको पोलराइजर भी कह दूंगा, पोलराइजर। ये अनपोलराइज लाइट को इसने क्या कर दिया, पोलराइज कर दिया।
अच्छा बच्चों एक बात बताओ, क्या लगता है आपको, क्या लगता है कि जो लाइट हम इंसिडेंट करेंगे, क्या सारा का सारा लाइट पास कर जाएगा? मेरा सवाल सुन लेना दादाजी, क्या सारा का सारा लाइट पास कर जाएगा? जो अगर मान लो इंटेंसिटी अगर आई है, तो क्या सारा का सारा इंटेंसिटी पास कर जाएगा लाइट का? क्या आपका अंदाजा क्या कहता है, पूरा पास करेगा कि पार्शियल पास करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा? मान लो कि मेरी इंटेंसिटी यहां पे लाइट इंसिडेंट मैंने इंटेंसिटी क्या है कुछ आई, ये मेरा इंसिडेंट लाइट है, ठीक। शिवम ने कहा है पार्शियल, और मेरा यहां जो पहुंचा है वो मेरा पहुंचा है आई नॉट। तो सबको इतना तो पता है कि पूरा नहीं पास करेगा, कितना पास करेगा सवाल उठता है। तो बच्चों इसका एक ऑब्जर्वेशन किया गया और एक अप्रोक्स वैल्यू निकाली गई कि आखिर अप्रोक्सीमेटली जब लाइट कंप्लीटली पोलराइज करोगे तो कितना लाइट पास करेगा, कितना इंटेंसिटी पास करेगा। और बच्चों पास करता है एग्जैक्टली हाफ के बराबर, एग्जैक्टली हाफ। यानी अगर आपका जो लाइट इंसिडेंट करोगे, पोलराइज करोगे, तो आधी इंटेंसिटी तो पोलराइज करते वक्त ही खत्म हो जाएगी आपकी, ओनली हाफ ऑफ द इंटेंसिटी वुड पास। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सिर्फ आधी इंटेंसिटी लाइट का पास करेगा। ये एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है और इसके वजह से जेईई मेंस में कम से कम 2-3 बार फंसाया जा चुका है। कभी भी लाइट को पोलराइज करते हैं तो हाफ ऑफ द इंटेंसिटी ही सिर्फ पास कर पाता है, ठीक है? इसको नोट करके भी लिख लेना जरूरी है। When light is polarized, through a Polaroid, only half of intensity of light passes through it. एक सवाल आदर्श का है, सर नंबर ऑफ वाइब्रेशन में डिपेंड नहीं करता इसका मतलब? बिल्कुल नहीं, नंबर ऑफ वाइब्रेशन का कोई लेना नहीं है। आप खुद सोचो कि एक तो पूरा पास करेगा, बाकी जितने भी वाइब्रेशन होंगे सबका एक कंपोनेंट पास करेगा। वाइब्रेशन जो भी हो रहा है, हर वाइब्रेशन जो हो रहा है वो वाइब्रेशन रैंडम डायरेक्शन में होगा, तो उसका एक कंपोनेंट क्या होगा, उस होल से पास करेगा। तो कुल मिला के ऑन एवरेज देखें तो पूरे लाइट का आधा इंटेंसिटी पास करेगा और आधा इंटेंसिटी ब्लॉक हो जाएगा। नंबर ऑफ वाइब्रेशन पे बिल्कुल, नंबर ऑफ वाइब्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, एम्पलीट्यूड जो उस होल से पास करेगा इस पे डिपेंड करता है। अदर्स एग्जांपल लो, एक तो चलो पूरा सीधे सीधे पास कर गया, लेकिन बाकी सब जो है, मान लो कि एक और वाइब्रेशन है जो कुछ ऐसे इस तरीके से, तो इसका ये मान लो ये ब्लॉक होगा तो ये पूरा थोड़े रुक जाएगा, इसका जो एम्पलीट्यूड का जो पार्ट है जो इस होल के अलोंग है वो तो कंपोनेंट पास कर ही जाएगा। सिद्धांत आपने एक सवाल पूछा है कि दो पोलराइड यूज करेंगे तो क्या होगा? सिद्धांत मैं वो तो हमारा मेन पार्ट है इस चैप्टर का, वो बता दूंगा तो चैप्टर ही खत्म हो जाएगा, टॉपिक ही खत्म हो जाएगा। हम आते हैं उस पर, आपके सवाल को बहुत डिटेल में जवाब दूंगा। अगर एक एक से ज्यादा पोलराइड यूज करेंगे तो क्या होगा, अभी एक पोलराइड को बता रहा हूं। पोलराइजेशन जब भी करेंगे तो आधी इंटेंसिटी डूब जाएगी। जल्दी लिख लो आप लोग, आर्यन ये एग्जैक्टली हाफ लेके चलना, क्योंकि एनसीईआरटी में हाफ वर्ड यूज किया गया है। लेकिन अगर आप कई पुराने बुक्स को पढ़ोगे तो ये लिखा हुआ है कि अप्रोक्सीमेटली हाफ ऑफ द लाइट इज स्टॉप्ड, पर एनसीईआरटी में कोई मिंस वर्ड को नहीं किया गया, सीधा सीधा लिखा गया हाफ ऑफ द इंटेंसिटी। तो आप हाफ मान लो कि हाफ चला जाएगा। नहीं आदर्श अभी नहीं बता दूंगा, टू पोलराइजर जब आऊंगा, आदर्श आऊंगा तो बात बदल जाएगी। उसके लिए हमको अगला, अभी देखो ना, अभी 2-3 केस में बाद वही सब आएगा, अभी दो पोलराइजर ही आएगा।
जो जल्दी से लिख लो ताकि हम अगले एक्सपेरिमेंट की तरफ बढ़ सके। बच्चों मैं 30 सेकंड का और टाइम दे रहा हूँ, काफी लोगों ने लिख लिया है पर काफी लोगों ने नहीं भी लिखा है अभी। चलो बढ़िया आगे बढ़ते हैं। बच्चों हमने क्या किया कि हमने क्या लगा दिया था, एक पोलराइड लगा दिया था ऐसे। अब हमने क्या सोचा कि काम करते इसको रोटेट करके देखते हैं क्या होगा पोलराइड को। तो हमने क्या किया कि पोलराइड इज रोटेटेड अबाउट एक्सिस ऑफ वेव प्रोपेगेशन, यानी इस एक्सिस के अबाउट हमने उसको क्या किया, रोटेट किया। तो रोटेट करने पर क्या होगा इसको देखने की कोशिश किया। तो हमने देखा कि पहले इंटेंसिटी कितना था, आई था, और अभी इंटेंसिटी कितना था, आई नॉट जाता था यहां पे, और आई नॉट की वैल्यू क्या थी, आई बाई टू। तो हमने ऑब्जर्व किया कि इस रोटेशन की वजह से इंटेंसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ा। तो पहला जो ऑब्जर्वेशन हमारा आया कि इंटेंसिटी ऑफ पोलराइज्ड लाइट, Intensity of polarized light remain same intensity of polarized light remain same with rotation of polaroid. Polaroid को रोटेट करने से कोई फर्क नहीं पड़ा, ऑफ पोलराइड कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन फर्क एक चीज का पड़ा, ये जो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन था वो क्या हो गया, वो चेंज हो गया। प्लेन ऑफ पोलराइजेशन जो था is parallel to plane of polaroid. जिधर प्लेन रोटेट करेगा उधर ही आपका प्लेन ऑफ पोलराइजेशन भी चेंज हो जाएगा। यानी बदला क्या है, बदला आपका सिर्फ एक चीज है, वो क्या बदला है, आपका प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। उसके इंटेंसिटी में कोई चेंज नहीं हुआ है, जितना पहले पास हो रहा था उतना ही अभी भी पास कर रहा है। बोलो क्लियर है क्या बच्चों। अगर मान लो पोलराइड को हम रोटेट करेंगे तो रोटेट करने के बाद हम क्या देख रहे हैं कि इंटेंसिटी में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, जितना लाइट पोलराइज होने पर पास कर रहा था उतना ही कर रहा है। अनपोलराइज लाइट जो पोलराइज लाइट से पास कर जो बन रहा है उसमें आधी इंटेंसिटी अभी भी जा रही है, लेकिन जो डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन है वो गौर से देखो वो क्या हो गया है, चेंज हो गया है। और ये क्या होना चाहिए, दोनों होना चाहिए पैरेलल। भाई लाइट उधर वैसे ही पास करेगा ना। तो बच्चों ये हो गया केस टू, जब हम पोलराइजर को रोटेट करेंगे तो क्या होगा। जल्दी से लिख लो, सारा केस दिमाग में होना चाहिए। पोलराइजर रखने से आधी इंटेंसिटी पास करेगी, रोटेट करेंगे तो इंटेंसिटी में कोई चेंज नहीं करेगा, खाली प्लेन ऑफ पोलराइजेशन इसका चेंज हो जाएगा और वह हमेशा क्या होगा, पोलराइड के पैरेलल होगा। लिख लिया बच्चों, आगे बढ़ो, सही है सर नो एटलीस्ट।
सांसें चल रही है कि नहीं पता तो चलना चाहिए, तो कुछ तो मैसेज वैसेज पर डालोगे तो पता चलेगा। एंगल ऑफ रोटेशन इक्वल टू चेंज इन प्लेन ऑफ पोलिस कह सकते हो, बिल्कुल दोनों इक्वल ही होगा। 10 डिग्री से इसको रोटेट करोगे तो 10 डिग्री से प्लेन ऑफ पोलिस रोटेट कर जाएगा। बट मजा तो अब आएगा जब आप सिद्धांत पूछ रहे थे कि अगर एक से ज्यादा अगर यूज कर लेंगे तो क्या होगा। तो देखो कहानी शुरू से, ये आपका अनपोलराइज लाइट है, अनपोलराइज लाइट। और ये आपका है पोलराइज लाइट। पहले यहां तक की कहानी हम समझ लेते हैं। और ये जो अनपोलराइज और पोलराइज के बीच में जो आता है उस पोलरॉइड को नाम देते हैं पोलराइजर। बहुत इंपॉर्टेंट है, दो जब पोलराइड यूज करो तो इसको पोलराइजर नाम दो, इसको नाम दो पोलराइजर। मैं इसको नाम दूंगा पोलराइजर। और जो अगला यूज कर रहे हो पोलराइड उसको नाम दो एनालाइजर, एनालाइजर। दोनों का नाम देते हैं, देखना नाम क्या दिखे। पोलराइड का पहले वाले का नाम दिया पोलराइजर जो पोलराइज कर रहा है, और दूसरे वाले का नाम दिया है एनालाइजर। तो मैंने केस क्या लिया, देखो ध्यान से, मैंने क्या लिया है, मैंने लिया है कि अनदर पोलरॉइड इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ लाइट एडजेसेंट टू द पोलर। एक हमने क्या किया है कि हमने एक पोलरॉइड को बगल में रख दिया है एंड एंड पैरेलल टू ईच अदर, एंड पैरेलल टू ईच अदर। केस में क्या लिया है, पैरेलल रख दिया है, दोनों को एक दूसरे के पैरेलल रख दिया। यानी हमने क्या किया है कि रास्ते में क्या किया है कि हमने एक तरीके से एक और पोलरॉइड लगा दिया है और वो भी पैरेलल लगा दिया। क्या होगा, जो लाइट रहेगा वो लाइट सीधा सीधा पास कर जाएगा, जो मेरे पास जो वाइब्रेशन है उसी डायरेक्शन में है, तो बिना कोई लॉस हुए वो सीधा सीधा आगे पास कर जाएगा। तो अगर मैं बोलूं कि मेरे पास यहां इंटेंसिटी आई था और यहां पे मेरे पास जो इंटेंसिटी जो आ रहा है वो आई नॉट की वैल्यू जो आ रही है वो क्या आ रही है, आई बाई टू आ रही है। और अगर मैं बोलूं कि मेरी जो फाइनल इंटेंसिटी है, फाइनल इंटेंसिटी है वो भी बिल्कुल सेम ही आ रहा है, कितना आ रहा है, आई नॉट के इक्वल आ रहा है। यानी जितना का जितना इंटेंसिटी है पूरा का पूरा बड़े आराम से पास कर जाएगा जब ये पैरेलल होगा, जब क्या होगा, ये पैरेलल होगा। बोलो क्लियर है क्या, सारा का सारा वाइब्रेशन कौन रोकेगा, मेरे वाइब्रेशन को कोई रोकने वाला है क्या, अगर पैरेलल है तो सीधा सीधा उस होल से पास कर जाएगा। प्रैक्टिकल बात सोचो, अगर प्रैक्टिकली सोचते हो तो सीधा सीधा पास कर जाएगा, कौन रोकेगा उसको। क्या ये बच्चों क्लियर है क्या, यानी कंक्लूजन में बहुत क्लियर है, कंक्लूजन में बहुत क्लियर है व्हेन पोलराइजर एंड एनालाइजर आर पैरेलल, व्हेन पोलराइजर एंड एनालाइजर, एनालाइजर आर पैरेलल टू ईच अदर, to each other light passes completely without any change in intensity and plane of polarization, कोई चेंज नहीं होता है। दो ही चीज हो सकती है, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन और इंटेंसिटी, दोनों में कोई चेंज नहीं होगा। जल्दी लिखो इसको। अब वैष्णवी जो आप सवाल पूछ रहे हो वो कहीं अगले वाले स्लाइड में आ ही जाए, जो आप सवाल पूछ रहे हो हमारा अगला स्लाइड ही कहीं वही हो, देख लो एक बार, नहीं क्लियर होता तो पूछना 10 मिनट बाद। अभी तो पैरेलल लिया है ना, अभी हमने पैरेलल लिया है, अगला केस क्या होगा देखते हैं। दीक्षा सही सवाल है,
कि पहले से जब पोलराइज हो ही गया तो दूसरा वाला कम से कम पोलराइज करने के लिए तो नहीं है दीक्षा, क्लियर है क्या? एक बात तो दीक्षा तय है कि दूसरे वाले का काम पोलराइजेशन तो बिल्कुल नहीं है, वो खाली एनालाइज करने के लिए है, एनालाइजर है वो, क्लियर है? उसका पोलराइजेशन से कोई लेना देना नहीं है, लाइट पहले ही पोलराइज हो चुका है। क्या एनालाइज करेगा वो चौथे केस में शायद समझ में आएगा, जल्दी लिख लो बच्चों इसको, बस चाहता हूं ऑर्डर में लिखते चलो, सबको समझते चलो लिखते चलो। एटलीस्ट लिख लेना तो कुछ बता देना। वेट कर रहा हूं आपका। आगे बढ़े, रफ फिगर बनाने की आदत बना लो बस, खाली 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 लिख मत लेना कहानी, कोई फायदा नहीं होगा, समझ में आएगा नहीं कुछ बाद में। वैष्णवी यही कह रहे थे क्या? वैष्णवी एक मिनट दीक्षा, देखो वैष्णवी फिगर देखो। हाँ चलो, काम की जो आपने सोचा वो आ रहा है, जो सिद्धांत ने पहले सोचा था कि दो पोलराइजर होगा तो क्या होगा वो भी आ गया, तो आप सही डायरेक्शन में सोच रहे हो, आपका डायरेक्शन बिल्कुल सोचने का सही है कि आगे क्या क्या हो रहा है पहले से बता रहे हो, दैट्स ग्रेट। दीक्षा आगे बढ़ रहे हैं, चलो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। चलो अगले पॉइंट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। अब मेरा बहुत क्लियर है, पोलराइजर तक मामला फिक्स कर दो, ठीक है? क्या क्या है पोलराइजर तक मामला फिक्स? मैं क्या कह रहा हूं, ये अनपोलराइज लाइट है, अनपोलराइज लाइट, ठीक, ये आपका पोलराइजर है और ये आपका है पोलराइज लाइट, ये आपका पोलराइज लाइट है। आपको कहूंगा कि ये इंटेंसिटी जो है वो आई है, ये इंटेंसिटी आई नॉट है, क्योंकि आपको भी पता है इनिशियल इंटेंसिटी का हाफ है, आई नॉट मतलब कि जो पोलराइजर से पास हो रहा है वो वाला इंटेंसिटी है, क्लियर? यहां तक ठीक है। अब हम एक एनालाइजर यानी सेकेंड पोलराइड को क्या कहते हैं, हम लोग एनालाइजर कहते हैं, एनालाइजर से इसको पास करा रहे हैं, ठीक है? और मान लीजिए कि इस एनालाइजर को हम रोटेट कर रहे हैं, ठीक है, रोटेट कर रहे हैं, समथिंग रोटेट कर रहे हैं, कुछ इस तरीके से रोटेट किया ऐसा, ठीक है? तो क्या हमको फर्क दिखेगा? पहला पॉइंट है फर्क क्या दिखेगा, और फिर लास्ट में बात है कि क्या कितना होगा इंटेंसिटी। तो मैंने पहले जो फर्क देखते हैं, सबसे पहला जो बड़ा ऑब्जर्वेशन हम क्या देखते हैं कि रोटेशन की, ड्यू टू रोटेशन ऑफ एनालाइजर, due to rotation of analyzer intensity of light passing through it continuously changes
कितना चेंज हुआ मुझे नहीं पता, मैं कह रहा हूं जो इंटेंसिटी पास करेगा यानी फाइनल इंटेंसिटी जो है वो कंटिन्यूअसली चेंज कर रहा है रोटेशन की वजह से, कंटिन्यूअसली चेंज कर रहा है। दूसरा बात जो हमने ऑब्जर्वेशन देखा कि व्हेन थीटा इक्वल्स टू जीरो, व्हेन थीटा इक्वल्स टू जीरो, जब थीटा जीरो डिग्री पैरेलल वाला पिछले थर्ड केस, तो जो फाइनल इंटेंसिटी है मेरा वो उस वक्त क्या हो रहा है आई नॉट के इक्वल, यानी सारा का सारा इंटेंसिटी पास कर जा रहा है। एंड व्हेन थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री उस वक्त में मेरी फाइनल इंटेंसिटी पूरी तरह से क्या हो जा रहा है जीरो, यानी जब एनालाइजर पोलराइजर के परपेंडिकुलर हो जा रहा है तो उस केस में आपका इंटेंसिटी जो पास कर रहा है वो क्या हो जा रहा है जीरो। क्लियर है? नहीं नहीं अगर स्पेसिफिक रोटेशन के लिए बात मत करो, नहीं स्पेसिफिक एंगल की बात करो, ठीक है। मैं बोल रहा हूं कि दो केस हमने नोट किया, जीरो डिग्री पे फुल इंटेंसिटी पास कर जा रहा है दोनों है, और 90 डिग्री पे कोई इंटेंसिटी पास नहीं कर रहा। ये खाली ऑब्जर्वेशन है, कोई मैथमेटिकल बात नहीं है इसमें। ये रोटेट करने के बाद ये हमने ऑब्जर्व किया, रोटेट जब हमने किया तो ये हमने ऑब्जर्व किया कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो एनालाइजर से पास हो रहा है वो कंटिन्यूअसली बदल रहा है पहली चीज, और मैक्सिमम तब हो जा रहा है जब जीरो पे है, और मिनिमम तब हो जा रहा है जब ये परपेंडिकुलर हो जा रहा है। क्या ये क्लियर है? क्या मैक्सिमम केस, मिनिमम केस, फिर मैक्सिमम, फिर उसके बाद फिर मिनिमम। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यानी एनालाइजर में हमको ये दिख गया कि कब मैक्सिमम और कब मिनिमम है, कितना होता है, इसके लिए लॉ पढ़ना है हम लोगों। क्लियर? बच्चों एक बात और लाइन लिख सकते हैं यहां पे, ऐड कर सकते हो आप लोग कि प्लेन ऑफ पोलराइजेशन भी कंटिन्यूअसली चेंज कर रहा है, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन भी ऑल्सो कंटिन्यूअसली चेंजेस। क्या बच्चों ये पॉइंट क्लियर है आपको? क्या क्या होगा ये समझ में आया क्या? वैष्णवी आपका जो सवाल था क्या वो क्लियर हुआ क्या कि क्या चेंज आएगा? इंटेंसिटी बदलेगा, कितना बदलेगा ये नहीं बताया हूं अभी, वो बताऊंगा आप। मैं बच्चों आपको टाइम देता हूं, आप जल्दी से एक मिनट टाइम लो, लिख लो जल्दी से, एक मिनट डेढ़ मिनट टाइम लो, तीन पॉइंट्स में सो खत्म कर दो। ये पूरा ऑब्जर्वेशन है आपका, इस ऑब्जर्वेशन के हिसाब से मैल्यूज ने एक लॉ दिया है जिसने बताया है कि आखिर फाइनल इंटेंसिटी कब कितना होगा। ठीक है, लिख लो बच्चों तो एटलीस्ट से यस और नो। देखो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन में आर्यन बड़ा सिंपल है ना, जिधर रोटेशन का एनालाइजर है उसी के पैरेलल में प्लेन ऑफ पोलराइजेशन होगा, तो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन तो कभी प्रॉब्लम है ही नहीं।
बोलिए अरे समझ आया। मैं कह रहा हूं कि एनालाइजर के पैरेलल में ही हमेशा प्लेन ऑफ पोलराइजेशन होगा, इसको लेके तो हम बिल्कुल क्लियर रहे क्योंकि लाइट वहीं से पास करेगा। जो बहुत इंपॉर्टेंट है मैलूज लॉ, ठीक है। मैलूज लॉ ने क्या कहा, मैं आपको पहले इसका मैथमेटिकल पार्ट समझाता हूं फिर इसका थियोरेटिकल पार्ट लिखवा दूंगा। मैलूज ने क्या कहा कि मान लीजिए पोलराइजर और एनालाइजर के बीच एंगल थीटा है, कि थीटा एंगल से रोटेट किया हुआ है, ठीक, थीटा एंगल से रोटेट किया हुआ है। तो इस वक्त उन्होंने कहा कि मान लीजिए कि ये मेरी इंटेंसिटी जो है वो क्या है, आई नॉट है, और यहां की इंटेंसिटी क्या है, फाइनल इंटेंसिटी है। तो मैलूज ने कहा कि जो फाइनल इंटेंसिटी होगा, जो फाइनल इंटेंसिटी जो होगा वो क्या होगा, वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस स्क्वायर थीटा। उन्होंने सिंपल सी बात कही कि जो फाइनल इंटेंसिटी होगा वो क्या होगा, सिद्धांत देख लो ना एक बार, सिद्धांत देख लो एक बार, समझ में आ जाएगा। तो आई एफ जो होगा वो विल बी इक्वल टू क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा। देख लो, मैं अभी आ जाऊंगा आपके पॉइंट। उन्होंने इतना ही कहा कि आई एफ जो फाइनल इंटेंसिटी होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ कॉस थीटा होगा, मैलूज ने कहा। तो आपको सबको दिख रहा होगा कि यहां कोई ना कोई तो कॉन्स्टेंट आएगा ही आएगा, चाहे कुछ भी कर लें, ठीक है। अब उन्होंने इस कांस्टेंट के का वैल्यू जब कैलकुलेट किया तो के का वैल्यू था इक्वल टू आई नॉट, जो इंसिडेंट है इंटेंसिटीज पे। तो मैलूज लॉ का जो फाइनल फॉर्म आता है इन फॉर्मूले का, वो आता है फाइनल इंटेंसिटी इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। फाइनल इंटेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, क्लियर है, कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये आपके फाइनल फाइनल फॉर्मूला है आपका। अगर मैं बोलूं कि अब इस केस में बोलूं कि अगर मान लीजिए कि मेरा थीटा अगर जीरो हो, केस वन, अगर मान लीजिए मेरा थीटा जीरो डिग्री हो, तो क्या हम कह सकते हैं क्या कि जो फाइनल इंटेंसिटी होगा वो क्या होगा, आई नॉट के बराबर होगा। अगर मैं लिख दूं कि मेरा केस टू, थीटा मेरा अगर 90 डिग्री होगा, जो अभी बता रहा था एक्सपेरिमेंट में, तो क्या कॉस 90 का वैल्यू जीरो नहीं हो जाएगा, फाइनल इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, जीरो। सिद्धांत आपके सवाल का जवाब, सिद्धांत आपने बोला जब 90 होगा तो क्या होगा, कोई वाइब्रेशन पास ही नहीं कर पाएगा और फाइनल इंटेंसिटी क्या होगा, जीरो। केस थ्री अगर मेरा थीटा जो है वो 45 होगा, तो 45 होगा तो फाइनल कितना होगा, I final equals to I not cos square theta. 45 का वैल्यू 1/2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, I not by 2. I hope बच्चों ये आपको मैथमेटिकल रिलेशन समझ में आ गया होगा। स्टेटमेंट पढ़ते हैं मैलूज लॉ का। मैलूज लॉ का स्टेटमेंट है कि इट स्टेट्स दैट इंटेंसिटी ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट दैट पासेस थ्रू एन एनालाइजर वेरीज एज स्क्वायर ऑफ कॉसिन ऑफ एंगल बिटवीन द प्लेन ऑफ पोलराइजर एंड द ट्रांसमिशन एक्सिस ऑफ द एनालाइजर। ये पूरा स्टेटमेंट को पढ़ो, सीधा सीधा है कि जो इंटेंसिटी जो पास करेगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ कॉस थीटा। सीधा सीधा कहानी है ये, और यही है इसका मैथमेटिकल पार्ट, यही है इसका मैथमेटिकल पार्ट। ये फाइनल इंटेंसिटी जो पास करेगा वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ कॉस थीटा। यही आपको बताता है कितना इंटेंसिटी पास करेगा और कब कितना इंटेंसिटी पास करेगा। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि मैलूज लॉ आया कहां से है। आप पहले इतना स्टेटमेंट और उसका मैथमेटिकल पढ़ें। एग्जाम में सीधा सीधा बोर्ड्स में सवाल आएगा, व्हाट डू यू मीन बाय मैलूज लॉ। जेई नीट में न्यूमेरिकल्स आएगा, लेकिन बोर्ड्स में तो सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट आएगा कि डिफाइन स्टेट मैलूज लॉ। तो मैलूज लॉ का सिंपल शब्दों में होता है कि इंटेंसिटी पासिंग थ्रू द एनालाइजर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ कॉसिन ऑफ एंगल बिटवीन पोलराइजर एंड एनालाइजर। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये।
सिद्धांत क्या आपके सवाल का जवाब मिला क्या? सिद्धांत जो आपने सवाल पूछा था क्या उसका जवाब मिला क्या कि 90 होगा तो क्या होगा? ठीक है, गुड। जो आप लोगों ने एक अच्छा काम किया है कि इस टॉपिक को पढ़ते वक्त आप लोगों के सवाल जो आए वो आगे क्या है, इसका मतलब आप समझ रहे थे कि आगे क्या होने की चांसेस है, चेंजेस होने के। दैट्स वेरी गुड, दैट शोज प्रेजेंस ऑफ माइंड, और इस तरह से पढ़ाई करनी भी चाहिए। अगर हो जाए लिख लेना तो बता देना एटलीस्ट। मैं मैलुज लॉ का ये भी बताऊंगा कि मैलुज लॉ ने कैसे कह दिया ये, कोई साइंटिस्ट थे, बाबा ज्योतिषी थे, नहीं, उन्होंने कुछ स्टेटमेंट बोला, उसके पीछे कोई ना कोई तो मैथमेटिकल एडजस्टमेंट या प्रूफ तो होना ही चाहिए, या कुछ तो एनालिसिस होना चाहिए, या तो वो ये कह दो कि एक्सपेरिमेंटल डेटा है, तो एक्सपेरिमेंटल डेटा ये नहीं है, ये बेसिक मैथमेटिकल प्रूफ के साथ है। बढ़ू आगे, अच्छा जो आपका सवाल था ये कैसे हुआ ये काम, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों मैं यहाँ पे दो काम करता हूँ, मैं ऐसे मानता हूँ कि मान लीजिए यहाँ का इंटेंसिटी क्या है, आई नॉट है, और यहाँ का एम्पलीट्यूड मान लेते हैं वाइब्रेशन का कितना है, ए नॉट है। ठीक है, सबको ही जानता है कि इंटेंसिटी जो होता है वो समथिंग के टाइम्स ए नॉट का होल स्क्वायर होता है, ए का होल स्क्वायर होता है। पहली कहानी यहाँ पे लिख दी। अब मैं लिखूंगा कि मान लेते हैं कि मेरा फाइनल एम्पलीट्यूड क्या है, फाइनल एम्पलीट्यूड मेरा AF है और फाइनल इंटेंसिटी मेरा कितना है, IF है। तो आप ये भी जानते हो कि IF कितना होता है, K times AF का होल स्क्वायर होता है। ठीक बात, मैं बेसिक बात लिखा हूं अभी तक कि एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी का क्या रिलेशनशिप है। बच्चों मैं ऐसा कह रहा हूं कि मान लीजिए आपका ये ए नॉट जो था वो इंसिडेंट है और ये थीटा एंगल के एक लाइन से पास करना है, थीटा एंगल एंगल पे इसको पास करना है। तो बच्चों आप खुद सोचो कि इसका कितना कंपोनेंट इस थीटा एंगल पे होगा, तो क्या इसका कंपोनेंट होगा क्या ए नॉट कॉस थीटा, यानी जो एम्पलीट्यूड पास करेगा वो एक्चुअली में फाइनल एम्पलीट्यूड कितना होगा, ए नॉट कॉस थीटा होगा क्या। यानी मैं अगर ऐसा लिख दूं कि फाइनल एम्पलीट्यूड जो हो रहा है वो कितना है, ए नॉट कॉस थीटा। तो अगर मैं ऐसा लिख दूं कि फाइनल एम्पलीट्यूड इंटेंसिटी जो होगा वो कितना होगा, K इंटू ए फाइनल का होल स्क्वायर है, तो क्या मैं कह दूं कि K इंटू ए फाइनल कितना है, ए फाइनल है ए नॉट का होल स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। K इंटू ए नॉट का होल स्क्वायर कितना होता है, आई नॉट होता है। क्या बच्चों यही फॉर्मूला था मैलुज लॉ का, क्या मैलुज लॉ ने यही फॉर्मूला दिया था क्या? मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि एम्पलीट्यूड जो आ रहा है वो पूरा पास नहीं होकर के उसका एक छोटा पार्ट पास कर रहा है, कितना, ए कॉस थीटा। अब ए कॉस थीटा पे अगर एम्पलीट्यूड पास कर रहा है तो इंटेंसिटी स्क्वायर ऑफ उस पर स्क्वायर पर डिपेंड करेगा, किस पे, कॉस स्क्वायर थीटा पे डिपेंड करेगा। यही मैलुज लॉ ने स्टेटमेंट दिया था। तो मैलुज लॉ ने जो स्टेटमेंट दिया था ये उसका मैथमेटिकल प्रूफ मैंने आपको बताया कि कैसे आया। ठीक है, आप पूरा फिगर ना बना के भी आप समझ के नोट करके लिख सकते हो इसको। कोई पूछेगा नहीं कि कैसे आया, लोग पूछेगा मैलुज लॉ क्या होता है। सिंपल समझो कि पूरा एम्पलीट्यूड पास नहीं करेगा, उसका एक कंपोनेंट पास करेगा, एक कॉस थीटा। आई होप बच्चों ये मैलुज लॉ तक हम लोग क्लियर है। अभी तक हमने क्या समझा कि एक अनपोलराइज्ड, पोलराइज होगा तो आधी चली जाएगी और एनालाइजर से पास करेगा तो डिपेंड करेगा कि पोलराइजर और एनालाइजर के बीच में एंगल कितना है। यही इतना फंडा है, अब इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे हम लोग।
कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे हम लोग, तब जाके अपना कॉन्फिडेंस थोड़ा और क्लियर होगा, कॉन्फिडेंस आएगा और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बच्चों ये पोलराइजेशन पे आने वाला ये वन ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन है जेई का, पहला सवाल ऑलमोस्ट मान लो मेरे टाइम पे ही आया था, ये पहला सवाल जो पहली बार पोलराइजेशन से सवाल आना शुरू हुआ उसके बाद काफी आया, ठीक है, और एक काफी बड़ा डाउटफुल सवाल भी था। क्वेश्चन को ठीक से पढ़ो आप जवाब दे सकते हो बड़े आराम से इसको। पोल लॉन्च कर रहा हूं, आठ लोगों के रिप्लाई आए हैं और आठ में से मेजॉरिटी वही गलती कर रहे हो जो उस वक्त के टाइम पे सब लोगों ने गलती किया था, सब एक ही गलती की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आप देखो गौर से कि आप क्या मिस्टेक करो, अभी तक मेजॉरिटी लोगों ने गलत रिस्पांस दिया है, अभिषेक गलत है, वैष्णवी गलत है, कल्याणी गलत है, और आप बिल्कुल एक ब्लंडर कर रहे हो। आदर्श सही है, पर आदर्श आप मुझे लॉजिक बताओगे अनम्यूट करके। वैष्णवी ठीक हो गया, आदर्श मुझे लॉजिक बताना है इसमें, आदर्श मुझे लॉजिक बताओ। सर वो 45 डिग्री पे आई नॉट बाई टू होता है और सर आई नॉट आई बाई टू होता है, तो वो टोटल हो गया था आई बाई फोर। कह रहे हो कैसे कैसे इंटेंसिटी में चेंज आएगा मुझे बताओ। सर पहले शुरुआती तो आई नॉट है, हाँ तो वो आई बाई टू हो जाता है। यानी आप कह रहे हो कि पहला पोलराइजर से पास करेगा तो कितना हो जाएगा? हाँ और सर यहाँ पे हाँ यस सर, और सर उसके बाद 45 डिग्री पे वो हाँ, वो फोर हो जाएगा आई नॉट पे। आई नॉट बाई टू कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1/√2 होता है का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा 1/2, तो कितना हो जाएगा आई नॉट बाई फोर। अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप सब ने इस स्टेप को स्किप कर दिया क्या? सही सच सच बताओ, क्या आपने ये पहला स्टेप मिस नहीं कर दिया क्या? क्या आप लोगों ने जिन्होंने भी आंसर बी कहा था, क्या आपने ये पहला स्टेप मिस नहीं किया था क्या? अनपोलराइज का पोलराइज में कन्वर्जन मिस नहीं कर गए थे क्या? करो आदर्श म्यूट। यही याद रखना है, यही 95% लोगों ने उस समय गलती किया था, क्योंकि एनसीईआरटी का वो लाइन क्लियर नहीं था, और जब जेई का सॉल्यूशन आया था तो भी उसमें आई नॉट बाई टू का ही आंसर दिया गया था, लेकिन बाद में इस पे आंसर को चेंज किया गया। मुझे बहुत क्लियर याद है उस समय का 2011-12 का क्वेश्चन, तब को समझ में आ रहा है कि एनसीईआरटी का लाइन जो अनपोलराइज टू पोलराइज कहता है वो आधी इंटेंसिटी वहां चली जाती है, और आधी में से अब बचा हुआ है उसमें अब कॉस स्क्वायर थीटा आप लगाओ। क्लियर है? तो इस बात का ख्याल रखना, ये ट्रिक था और ये दिमाग में रखने के लिए क्वेश्चन दिया गया था। आगे बढ़ो क्या? क्या आगे बढ़े हम लोग इस पे? आदर्श मैं एक और बात कहता हूं, ये आई नॉट वाई नॉट हमने माना है ना, क्वेश्चन में तो कुछ भी दे सकता है, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना। क्वेश्चन में तो आपको समझना है, टू स्टेज प्रोसेस समझना है, ये आई नॉट वाई नॉट से भी बच के रहना, ये आई नॉट वाई नॉट से कंफ्यूज मत होना। हमने क्या माना है? पहला आई माना है, फिर आई नॉट माना है, और तीसरा आई एफ माना है। बुक में कुछ और दे सकता है ना, इससे भी बचें, ये भी एक कंफ्यूजन का स्कोप है। सही बोल रहे हो, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो, देखते हैं कितने लोग बना पाते हैं इसको।
ट्रिकी सवाल है, थोड़ा पढ़ो पेशेंस के साथ, जल्दबाजी मत करना बस। दस से पंद्रह मिनट क्लास एक्सटेंड कर सकता हूं आज, ठीक है बस। अभी तक मेरे पास दो आंसर आए हैं। ट्रिक है इसमें थोड़ा सा, है वन लाइनर ही अभी, लेकिन अभी तक बच्चों मेरे पास 10 रिप्लाई आए हैं। ठीक है देखते हैं, तो गौर से अगर देखें तो मैं बोल रहा हूं दो दो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, टू बीम्स ए एंड बी ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट विद म्यूचुअल परपेंडिकुलर प्लेन्स ऑफ पोलराइजेशन। एक मान लो कि ऐसे है और दूसरा ऐसे है, ठीक परपेंडिकुलर है, ठीक, और व्हेन पोजीशन ऑफ बीम ए हैज मैक्सिमम इंटेंसिटी, यानी मान ऐसे समझो कि मान लो बीम ए ऐसे है, ये बीम ए है, पोलराइजेशन का बीम ए है, और बीम बी क्या है कुछ ऐसे है, और जो हमने पोलरॉइड रखा है वो पोलरॉइड रखा है हमने कुछ इस तरीके से ए के पैरेलल में ताकि उसका इंटेंसिटी मैक्सिमम होता है। बच्चों अगर मैं इसको 30 डिग्री रोटेट कर दूंगा तो ए के साथ तो ये 30 डिग्री पे आ जाएगा, लेकिन B के साथ ये कितने डिग्री पे आ जाएगा, 60। बोलो क्लियर है क्या? मैं बोलो अगर इसको रोटेट करूं तो A के साथ तो 30 डिग्री आएगा लेकिन B के साथ कितना आएगा, 60। अदर्स क्वेश्चन समझ में नहीं आया था, फिर से बोल रहा हूं, मेरे पास दो बीम्स हैं, समझो कहानी को पूरा, कहानी को समझो, मेरे पास दो बीम्स है, अस्सी में मारा हुआ आंसर पर ए है और दूसरा है मेरे पास पैरेलल में इसका ऐसे है बी, परपेंडिकुलर है बी, क्लियर है। मैं शुरुआत में पोलरॉइड को रखा था ए के पैरेलल, अभी 30 डिग्री रोटेट करूंगा तो ये कुछ ऐसे आएगा, तो ए से नो डाउट ये 30 डिग्री होगा लेकिन बी से कितना होगा, 60 डिग्री। तो अगर मैं बोलूं कि आई ए अगर इंटेंसिटी बोलूं तो क्या हो जाएगा, आई नॉट कॉस स्क्वायर 30 हो जाएगा, और आई बी कितना हो जाएगा, आई नॉट कॉस स्क्वायर 60 हो जाएगा। तो रेशियो लेते हैं अगर, तो कितना हो जाएगा, cos square 30 by cos square 60,
बोलिए cos स्क्वायर 30, cos स्क्वायर 30 कितना हो जाएगा? cos स्क्वायर 30 हो जाएगा रूट 3/2 यानी 3/4, ये कितना हो जाएगा 1/4, 4/4 गया कितना हो गया 3/1। क्या ये सबको क्लियर है क्या? बोलो बच्चों, कई लोग 1/3 बोल रहे थे, आई होप सबको ये समझ में आ रहा होगा कि 1/3 और 3:1 में कंफ्यूजन से बचना था, तो करेक्ट आंसर शुड बी व्हाट, 3 नॉट 1/3। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या ये क्लियर है सबको? बोल दो तब आगे बढ़ेंगे। एस्टर आपने ठीक लिखा था, आई दोनों का इक्वल होना चाहिए था। अच्छा सॉरी, माय मिस्टेक, रुक जाओ, मेरी गलती है, मैंने गलती किया है, रुक जाओ एक सेकंड, क्वेश्चन मैंने नहीं पढ़ा, वैसे भी आपका ठीक था। बोला गया है कि आई ए और आई बी की इंटेंसिटी सेम है, ठीक है, मैं यहाँ पे कंफ्यूज हुआ हूँ। क्वेश्चन में बोला गया है कि आई ए इज इक्वल टू आई बी, अब आई ए कितना है, तो आई नॉट कॉस स्क्वायर 30, यानी आई ए कॉस स्क्वायर 30 इक्वल्स टू, एक सेकेंड क्वेश्चन में दिया हुआ है, सॉरी आई ए बाई आई बी पूछ रहा है, सॉरी दोनों का फाइनल इंटेंसिटी क्या बोल रहा है कि सेम है, तो आई ए आई, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, मैं बोल रहा हूँ फाइनल इंटेंसिटी दोनों का सेम है, रुक जाओ एक सेकेंड, मैंने गलत लिखा था, क्वेश्चन को पढ़ा नहीं लास्ट लाइन, फाइनल इंटेंसिटी दोनों का सेम है, दोनों का फाइनल इंटेंसिटी क्या है, सेम है। फाइनल इंटेंसिटी कितना होगा, तो पहले वाले की इंटेंसिटी ए है और इसका एंगल कितना हो रहा है कॉस स्क्वायर 30, और इसका कितना हो रहा है आई बी कॉस स्क्वायर 60। दोनों का लॉजिक तो क्लियर है 30-60 वाला, ठीक है। अब तरीका क्या है कि दोनों की फाइनल इंटेंसिटी सेम है, पहले वाले का ए था शुरुआत में, दूसरे वाले का बी था, अगर मुझे यहां से लिखना हो तो आई ए बाई आई बी कितना होगा, आई ए बाई आई बी जो होगा वो होगा कॉस स्क्वायर 60 बाई कॉस स्क्वायर 30, ये रेशियो 1/3 होगा। मेजोरिटी ऑफ यू हैव रिप्लाइड करेक्टली, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बच्चों क्या ये क्लियर है? क्या ये पॉइंट क्लियर है सबको? मैं जो कह रहा था कि दोनों की फाइनल इंटेंसिटी कहा गया है सेम, ना कि आई और आई बी सेम कहा गया था, मैं यहां पे मिस्टेक कर गया, ठीक है। चलो राघवेंद्र, थीटा का रेंज क्या ही हो सकता है, 0 से 90 एक्यूटी होगा, ऑब्ट्यूज तो हो नहीं पाएगा क्योंकि दूसरे साइड से एंगल बन जाएगा, तो थीटा का रेंज हमेशा 0 to 90 ही होगा, ठीक है, मैक्सिमम टू मिनिमम। बच्चों आखिरी सवाल, इसको कर लो जल्दी से, इसको करो जल्दी से, माना ना 10-15 मिनट का टॉपिक रह गया है, अगले दिन कर लेंगे क्लास में, ऑफलाइन क्लास में, ठीक है। और कल एटम्स शुरू करूंगा, सॉरी एटम्स कह रहा हूं, कल ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन शुरू करूंगा मैं, इस वीक हम ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन खत्म करेंगे। So this would be the last question for the day. सब लोग try करें इसको। पूरा question ध्यान से समझना। इंटरेस्टिंग सवाल है, मजेदार सवाल है।
हाँ, ये क्वेश्चन को पढ़ोगे ना ऊपर से, ड्रॉ करोगे ना, तो उतने से क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। देखते दिव्यांशु, गलती हो रही है दिव्यांशु आपसे थोड़ी सी। मैं अगर लाइन को पढ़ना शुरू करूं खाली शुरू से, तो मैं ऐसे वर्ड शुरू करूंगा, तो मेरा वर्डिंग ऐसे शुरू होगा कि अनपोलराइज्ड लाइट ऑफ इंटेंसिटी आई पासेस थ्रू एन आइडियल पोलराइजर ए, यानी ए जो है वो मेरा पोलराइजर है, ए मेरा पोलराइजर है। ठीक बात बोल रहा है कि अनदर आइडेंटिकल पोलराइजर बी इज प्लेस्ड बिहाइंड ए। यहां तो क्लियर है कि आई यहां से आई इंसिडेंट कर रहा है, यहां से कितना जाना है, आई बाई टू पास करना था। अब मैं कह रहा हूं कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट बियॉन्ड बी इज फाउंड टू बी सी, यानी एक और लगा दिया है हमने, बी लगा दिया है, और बी कैसे लगाया मुझे नहीं पता, लेकिन बोल रहा है कि बी से आई बाई टू पास कर रहा है, इसका साफ मतलब है कि दोनों पैरेलल है। क्या ये क्लियर है, क्या ए और बी पैरेलल है, क्या ये पॉइंट सबको समझ में आ रहा है, ए और बी पैरेलल है, यानी अब यह तय हो चुका है कि मेरा ए और मेरा बी दोनों पैरेलल है। ठीक, मेरा ए और बी दोनों पैरेलल है, ठीक, और ए और बी मेरा पैरेलल है, और ये मान लेते हैं मेरी इंटेंसिटी कितनी है, ये मेरा मान लेते हैं कि आई है। ठीक, मैं कह रहा हूं कि एक सी को इसके बीच में डाल देना है, कोई भी, पता नहीं किस एंगल पे है, लेकिन ये इसके साथ एंगल मान लेते हैं थीटा है। ठीक है, इसके साथ एंगल क्या मान लेते हैं, थीटा है, तो मान लिए हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये फाइनली आई बाई एट आ रहा है। कोई दिक्कत बच्चों, ध्यान से देखना, तो आई से इसके थ्रू जब पास करेगा तो कितना हो जा रहा है, आई बाई टू हो जा रहा है, इसके थ्रू जब पास कर रहा है तो कितना हो जा रहा है, आई बाई टू कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर, और जब इसके थ्रू पास करा तो फिर थीटा एंगल से पास करेगा, तो मैं फिर से मुझे करना पड़ेगा कि आई बाई टू, फिर कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अब कॉस स्क्वायर थीटा इनटू फिर से क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा, यानी मैं कह सकता हूं कि ये कितना हो जा रहा है, आई बाई टू इंटू कॉस टू द पावर फोर थीटा। इसका वैल्यू किसके इक्वल है, आई बाई एट के इक्वल है, तो मुझे दो बार थीटा थीटा से एंगल से पास करना पड़ेगा, दो बार इंटेंसिटी का वेरिएशन होगा, एक बार फिर यहां पे और एक बार यहां पे, तो अगर कुल मिला के मैं देखो तो आई आई कैंसिल हो जाएगा, फोर फोर कैंसिल हो जाएगा, तो कॉस टू द पावर फोर थीटा जो है वो आ रहा है वन बाई फोर, तो ऑब्वियसली कॉस थीटा इक्वल्स टू वन बाई रूट टू होगा, इसका मतलब है कि थीटा मस्ट बी इक्वल टू 45 डिग्री। मेजोरिटी लोगों ने सही आंसर दिया था, ठीक है, तो व्हाट शुड बी द एंगल, एंगल शुड बी 45 डिग्री। किसी को भी इस क्वेश्चन में दिक्कत है तो पूछो, चार लोगों ने डी कहा था, उनके तरफ आता हूं, वो चार लोगों ने जो डी कहा था उन्होंने समझा था कि ये खाली एक बार चेंज होगा, लेकिन बच्चों आपको समझना चाहिए था कि एक बार नहीं है, दो बार चेंज होगा, एक बार जब यहां से ऐसे जाएगा और एक बार जब यहां से ऐसे जाएगा, दोनों बार थीटा थीटा का डिफरेंस है। बोलिए, जितने लोगों ने डी लगाया था, चार लोगों ने डी लगाया, क्या आपको समझ में आया कि 60 कैसे हुआ, सिद्धांत आपने 60 जब बोला था तो क्या आपके दिमाग में यही नहीं चल रहा था क्या कि एक ही बार चेंज हो रहा है, तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा कि एक बार नहीं बल्कि ये दो बार चेंज हो रहा था। बोलिए बच्चों, क्लियर है, तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक मानो इसको,
बिल्कुल सिद्धांत, देख के लगता है इसमें कि एक बार थीटा एंगल चेंज होगा तो i by 2 cos square theta equals to i by 8 कर दिया आपने, बिल्कुल ठीक दिखने में लॉजिक था। लेकिन अगर फिगर को साफ साफ बनाता हो तो आपको लगता है कि पहले से दूसरे में जा रहा है तो दूसरे से तीसरे में भी एंगल चेंज हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो दैट्स इट फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही। 10 मिनट का टॉपिक बच गया खाली, अगर आप स्लाइड वाइज भी देखोगे तो हार्डली 10 मिनट का टॉपिक है। ठीक है, तो अगले दिन बता दूंगा इसको, आधे घंटे लग जाएगा, 25-30 मिनट लग जाएगा। और अगले दिन ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन शुरू करूंगा। इस वीक में ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन खत्म करेंगे, हमारे पास न्यूक्लियस का थोड़ा पार्ट और सेमीकंडक्टर बचेगा जो अगले वीक खत्म हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो हमारा सिलेबस खत्म, प्लस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में एक लेक्चर है। ठीक है, कल से क्लास आओ, कल से आप लोगों के टेस्ट सीरीज का भी अनाउंसमेंट करूंगा, जो आपका बोर्ड्स का टेस्ट सीरीज शुरू होगा। सबसे इंपॉर्टेंट वही चीज है कि बोर्ड के लिए आप कितना तैयार है पाते हो। ठीक है, प्लस जेईई टेस्ट सीरीज के बारे में। दैट्स इट बच्चों, लेट्स एंड द क्लास ऑन दिस नोट। बाय। ओके ओके आदर्श, मैं 10 मिनट बोल देता हूँ सर।